हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे, और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, ये हमारा सेट नंबर 4 है, और इससे पहले मैंने 3 सेट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसे आप ज़रूर देख लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ 1/μ0 ε0 है। म्यू नॉट और एप्साइलन नॉट लिखा गया है, 1/μ0 ε0। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है 1/μ0 ε0। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√μ0 ε0। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, 300,000 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्पीड ऑफ लाइट का। तो ये क्या हो गया, ये तो स्पीड है, 1/v² आप समझिए। आप इसी को स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा, इसलिए 1/v² लिखा। और वेलोसिटी का आप डायमेंशन जानते हैं, L2-1 होता है, इसी का स्क्वायर कर देना है। तो L2t-2 जो कि ऑप्शन नंबर सी लग रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पिछले 3 सेट्स में हर पहला क्वेश्चन मैं डायमेंशन से इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम डायमेंशन के होंगे ही होंगे। तो आने वाले दिनों में मैं ऐसे 50 सेट लाऊंगा जिसमें 50 डायमेंशन होंगे, और एक क्वेश्चन इसी किसी ना किसी सेट से ज़रूर मिल जाएगा। तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग इज़, चार ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग से पहले मैं बताऊं कि मैंने पिछले वीडियो में सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड कोन, हॉलो हेमिस्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर बता रखा है। आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैंने 4 फिगर्स का आपको सेंटर ऑफ मास पिछले वीडियो में बताया है, और यहाँ पे 2-4 आज बताऊँगा। तो क्या क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। तो हाफ रिंग कुछ इस तरह से होगा, रिंग तो आप जानते हैं क्या होता है, रिंग अंगूठी को बोलते हैं। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा, उसे मैं मानता हूँ डी, डिस्टेंस डी पे है वो। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, अगर रेडियस आर रहे तो। इसका याद रखना है क्योंकि मैंने पहले बताया है, कुछ चीज़ों को आपको याद रखनी होंगी। इसका क्या होगा, 2r/π। ठीक है, 2r/π क्या होता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। ये पांचवा हुआ, मैंने 4 पिछले वीडियो में बताया था, 2r/π। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी मैं बोल रहा हूँ, और ये डी का मतलब यहाँ डिस्टेंस है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी में आपको याद रखना है, मैं 6ठे फिगर की बात कर रहा हूँ, ये हाफ रिंग है। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में डिस्क, डिस्क का जानते हैं प्लेट हो सकता है कुछ भी, डिस्क जानते हैं कुछ भी प्लेट हो सकता है। डिस्क का मतलब जिसका सरफेस जो हो सो पूरी तरह पैक हो। रिंग का मतलब क्या है कि सिर्फ उसमें सर्कमफ्रेंस हो, अंदर में कुछ नहीं हो। रिंग तो जानते हैं अंगूठी को, बिस्किट को आप डिस्क बोल सकते हो, कोई भी गोला बिस्कुट हो उसे डिस्क बोल सकते हो। तो उसी प्रकार का कुछ फिगर रहे तो उसके केस में क्या होता है, उस केस में उसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 4r/3π। ठीक है, डिस्क के केस में हो जाएगा 4r/3π, हाफ रिंग के केस में 2r/π। तो आपको 2 मैंने और याद रख कराया है, इसे भी आप याद कर लें, 5 और 6 आप अपने नोट्स में लिख लें इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ दिया था, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। पहला ऑप्शन बोला प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, दूसरा दिया गया है स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और तीसरा क्या है रूट स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। देखिए अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या, विद इन ए सर्टेन इलास्टिक लिमिट, हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, स्ट्रेन के होता है। जैसा कि आप जानते हो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट, जिसे मैं ये बोल रहा हूँ, इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन में, हाँ तो क्या हुआ, स्ट्रेस इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू स्ट्रेन, इसे मैं डिवाइड में लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस और नीचे क्या हो जाएगा, स्ट्रेन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी कॉन्स्टेंट को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
यंग्स नहीं, इसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका नाम आपने तो सुना ही होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। याद रखें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी होता है, तीन टाइप के होते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी तीन टाइप्स के होते हैं, जो कि मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं, और क्या है, मैंने सर्किट थ्योरी से बोला। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि मैं एक क्वेश्चन सर्किट थ्योरी से ज़रूर लूँगा हर सेट में, तो मैंने लिया है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपको बस समझना है। यहाँ पे आर वैल्यू दिया गया है चारों रेसिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे ओ फिगर में तो ही दिया गया है, तो पूछ रहा है फाइंड नेट आर, यानी कि नेट रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोधक हिंदी में बोल सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि सीरीज और पैरेलल कैसे डिसाइड करते हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया था, फिर भी बताऊंगा आज कि मैं, सॉरी यहाँ पे ए दिया गया है, तो मैं किसी भी पॉइंट पे रेसिस्टेंस के लॉन्ग कुछ ही पोटेंशियल मान सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लिया, कुछ ही मान सकते हैं आप, कुछ के आप यहाँ पे 100 मान सकते हो, 200, 300, कुछ भी, मैंने जीरो माना। तो बीच में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं है, तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो होगा। मैं कहीं का कुछ भी मान सकता हूँ, तो यहाँ भी तो एक कुछ वैल्यू ले सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो रेसिस्टेंस के लॉन्ग पोटेंशियल है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, कितना होगा, एक्स माइनस जीरो, इस रेसिस्टेंस के लिए एक्स माइनस जीरो, इसके लिए एक्स माइनस जीरो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए। तो आपने देखा ए वाले रेसिस्टेंस और ए वाले और ए वाले, यानी इन तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा उसके लिए, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री बाई थ्री, ऐसे निकालते हैं ना, वन अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। तो आर इक्वलेंट कितने आ जाएगा, ये पैरेलल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पैरेलल के लिए आर अपॉन थ्री, ठीक है। तो नेट आर कितना हो जाएगा, आर अपॉन थ्री, ए वाले किस में हो जाएगा, ए वाले किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इस सब इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर है, तो सीरीज में होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंपली आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर आर अपॉन थ्री। तो फोर आर अपॉन थ्री कौन सा ऑप्शन है, आप देख लो, बी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़े, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन इसलिए कराया है ताकि आप बहुत कुछ सीख सको इस क्वेश्चन से, मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप बहुत कुछ सीख सको। क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से, वीडियो को पॉज करके। द पुलिस मैन स्टैंडिंग ऑन ए रोड साउंड्स ए विसल इमिटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 kHz, यानी कि एक पुलिस मैन रोड पे खड़ा है, वह विसिल बजाता है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 2000 Hz, के का मतलब हज़ार होता है। व्हाट कुड बी द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाई ए स्कूटर ड्राइवर अप्रोचिंग द पुलिस मैन एट ए स्पीड ऑफ 36 km/h। तो बोल रहा है कि एक स्कूटर वाला है जो पुलिस वाले की तरफ आ रहा है कुछ स्पीड से, तो वो कितना सुनेगा, वो तो बजाया 2 kHz का फ्रीक्वेंसी पुलिस वाले ने, लेकिन होता क्या है, देखिए जब कहीं भी एक से अधिक साउंड अगर इमिट हो रहा है, मोर देन वन साउंड है, कहीं भी मोर देन वन साउंड है, तब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है वो किसी भी ऑब्जर्वर द्वारा नहीं सुनी जाती। कहने का मतलब कि देखो, जब आप ट्रेन से जा रहे हो, कहीं भी ट्रेन में जा रहे हो और उधर से एक और ट्रेन आ रही है, तो आपका ट्रेन, जिस ट्रेन में आप बैठे हो, ट्रेन कुछ फ्रीक्वेंसी से हॉर्न बजाया, उस कंडीशन में आप ये नहीं बता सकते कि आपके बगल वाले ट्रेन पे या आपके ट्रेन का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी कि हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर बार सुनते हैं।
अपेरेंट का क्या मतलब होता है, जो रियल नहीं होता है। जैसे कि आप अपेरेंट डेप्थ पढ़ा होगा फिजिक्स में, जैसे कि कोई बाल्टी में हमने पानी भर दिया है तो उसका हाइट लगता है क्या बहुत नज़दीक है, लेकिन जैसे ही हम अंदर में कोई भी स्टिक डालते हैं, डंडी डालते हैं, काफ़ी अंदर चला जाता है। तो अपेरेंट का मतलब होता है जो रियल ना हो। तो उसी के लिए डॉपलर इफेक्ट ने, एक डॉपलर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया है कि रियल फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकाल सकते हैं और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, एफ डैश इक्वल टू रियल फ्रीक्वेंसी, यानी एफ डैश है अपेरेंट, एफ है रियल, वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। सोर्स मतलब क्या, जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। इसी क्वेश्चन इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। और माइनस प्लस क्या होता है आपको समझना है, जैसे कि अगर सोर्स और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर वेलोसिटी हम सोर्स से ऑब्जेक्ट की तरफ ले रहे हैं तो लेंगे पॉजिटिव, लेकिन वही ऑब्जेक्ट से सोर्स की तरफ जब भी हो तो लेंगे निगेटिव। यहाँ पे देखिए क्या है, पुलिस वाले तो खड़ा होकर यहाँ हॉर्न बजा दिया और वहाँ से स्कूटर वाले ने इसकी तरफ चल दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्कूटर को मैं एस नहीं लिख सकता, ये तो ऑब्जर्वर है स्कूटर वाले ने, क्योंकि सोर्स तो है पुलिस वाला, पुलिस वाले बजा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ है, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। देखो यहाँ पे क्या मैंने बनाया है, ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ है तो निगेटिव, देखो ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ है तो निगेटिव। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो रियल फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 kHz, स्पीड ऑफ साउंड क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, 340, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितना हो जाएगा, 36 है, इसको 5/18 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है, आ जाएगा 10, लेकिन क्या 10 लेंगे, नहीं माइनस 10 लेंगे, और वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना होगा, 340 फिर से। सोर्स क्या है, सोर्स तो रेस्ट में है, स्कूटर पुलिस वाले तो रेस्ट में होकर वो विसिल बजा रहा है, तो उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 kHz इंटू 350 अपॉन 340। देखो 350 अपॉन 340 क्या हो जाएगा, ये 1 से थोड़ा सा ग्रेटर है, यानी स्लाइटली ग्रेटर देन 1, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 2 से थोड़ा सा ग्रेटर, और 2 से जस्ट थोड़ा सा ग्रेटर क्या है, 2.06 kHz। आपको ये फार्मूला याद रखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अच्छा लगा इसे लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।